अब बात करते हैं एनडीआरआई, एनडीआरआई नेशनल राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान, कहाँ भैया राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ अभी करनाल में है, और करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। अब हम कह रहे हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्र सबसे इम्पोर्टेंट बात करें। और अब अगले क्वेश्चन बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नीम्स के बोलते हैं राष्ट्रीय, अगला है जो है NIN, इसको बोलते हैं NIN नेशनल होता है राष्ट्रीय न्यूट्रिशन संस्थान कहाँ है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है नीम कहाँ है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, ये है भाई हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ ये हैदराबाद में चार मीनार पड़ा है भाई हैदराबाद में, और हैदराबाद किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर फॉर कैमल्स, बड़ा इम्पोर्टेंट NRCC नेशनल राष्ट्रीय शोध सेंटर फॉर कैमल माने ऊंट भाई, सेंटर ऑफ कैमल CMELE कैमल ने पूछा है राष्ट्रीय जो शोध संस्थान है कैमल के ऊपर ऊंट के ऊपर जो संस्थान है वो भारत में कहाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये पढ़ता भाई आपका बीकानेर राजस्थान में, क्योंकि सबसे रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं ऊंट को, और ऊंट कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं भारत में, राजस्थान में ऊंट शोध संस्थान कहाँ है, बीकानेर राजस्थान को क्या कहते हैं भाई, रंगीन राज्य राजस्थान को बोलते हैं, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस हैं, यहाँ राजे महाराजाओं के पुराने किले आज भी मशहूर हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा पर्यटन भारत में कहाँ आते हैं, जो राजस्थान है उसे देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट संस्थान है नेशनल बायोलॉजिकल एंड फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है भाई, भारत का नगले कोई संस्थान हमारी नेशनल फर्टिलाइजर सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर हरियाणा भारत का कहाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई नेशनल बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है भाई, ये गाजियाबाद कहाँ पड़ता है भाई, गाजियाबाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गाजियाबाद सबको नॉर्थ इंडिया वाले सब जानते हैं यूपी में पड़ता है, यूपी के टच में पड़ता है भाई, और जो दिल्ली के लगता है गाजियाबाद, और ये संस्था कहाँ है ये भाई यूपी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप कर रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि आज का जो संस्थान है जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे HSC हरियाणा पुलिस में भाई पूछे गए थे सबसे ज़्यादा प्रश्न। अगला बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च संस्थान कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च एंड पॉलिसी रिसर्च संस्थान कहाँ है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेशनल के सबसे भाई ये दिल्ली में है, कहाँ ये दिल्ली में है। और इसका एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1991 में की थी, 1991 में की गई थी। और भाई जो सारी शिक्षक छात्र हैं उनको पता था 1991 में कौन सा पुरस्कार शुरू हुआ था, 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में थी। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल जेनेटिक्स भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल जेनेटिक्स संस्थान कहाँ है, एनिमल जेनेटिक्स संस्थान है ये इंडिया में कहाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और भाई वीएलडी का एग्जाम बाई बार पूछा जा हुआ है क्योंकि वीएलडी से संबंधित प्रश्न है। और मजबूरी बस के अभाव के बाद हरियाणा पुलिस ने एनुअल असेंबली एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे दिया था, इस चक्कर में हमें ये करना पड़ रहा है अभी इसको। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब बताओ कहाँ ये पड़ता है, करनाल में। और करनाल कहाँ है, हरियाणा में। और करनाल को क्या बोलते हैं, हरियाणा का फारिस बोलते हैं। और करनाल को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, याद रखेंगे जब एग्जाम आपसे पूछी जाओगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल जेनेटिक्स इसको राष्ट्रीय पशु ब्यूरो संस्थान कहाँ है, ये करनाल में। करनाल कहाँ है, ये हरियाणा में पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई आपका। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अगले सबसे अब बात कर रहे हैं वो नेशनल NRCB का मतलब क्या है, अभी कहाँ पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई नेशनल राष्ट्रीय, हिंदी में बात करें भाई, राष्ट्रीय शोध केंद्र सेंटर ऑफ बनाना। अब बनाना भाई केड़ा आगे गुण को है, केड़ा का जो राष्ट्रीय शोध संस्थान है वो कड़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कुछ है भाई, केड़ा का जो संस्थान है, शोध संस्थान वो भारत में कहाँ पड़ती है और वो के है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात करें 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, 1993 में। और ये कहाँ पड़ा है, तमिलनाडु पड़ा है। केड़ा शोध संस्थान कहाँ है, भारत का तमिलनाडु में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंड नट ये पूछ है, भारत की राष्ट्रीय मूंगफली संस्थान कहाँ पड़ता है। सबसे बात है जूनागढ़ का है, गुजरात में है। गुजरात का संबंध कितने हैं, सरदार पटेल से हैं। और सरदार पटेल की भव्य मूर्ति विश्व सप्तमूर्ति मूर्ति कड़ा है, पर सरदार भाई जो गुजरात में है। और सब भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कड़ा है भाई, जो भी कड़ा है गुजरात में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये सबसे। नेक्स्ट हम होते हैं NSI कहाँ पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई ये पड़ता है कानपुर में। NSI कहाँ पड़ता है, NSI कहाँ पड़ता है, कानपुर। और कानपुर कितने हैं, कानपुर सेंट्रल और कानपुर देहात। अरे कानपुर कहाँ पड़ता है, यूपी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और कानपुर में क्या, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय भी कानपुर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एग्जाम में सबसे पूछी जाती है, NBARGR संस्थान कहाँ है, NBARGR संस्थान कहाँ, ए
जी आर जो संस्थान है वो कहाँ है, वो करनाल में है। और करनाल कहाँ है, करनाल है अपना हरियाणा में है। जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है VLD का एग्जाम में, एनिमल हस्बेंड्री का जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ये द नेशनल द ब्यूरो इसका मिलता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो एनिमल जेनेटिक्स संस्थान या रिसर्च शोध संस्थान ये पड़ता है हमारा करनाल में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और करनाल अपना कट पड़ा है हरियाणा में पड़ा भाई। ये थे जो अभी मिल गए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र थे जो हमने पढ़े हुए, जिनका भारतीय कृषि अनुसंधान में बहुत बड़ा योगदान है तथा कृषि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसी प्रकार ये शोध संस्थान था, इनका काम क्या होता है कि भाई किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता के लिए फसल के लिए रिसर्च करना तथा कम पैसे में कम समय में अधिक पैदावार हो, किसानों को अधिक से फायदा हो, इसलिए भारत सरकार ने कुछ विदेशों की सहायता से, भारत स्टेट के राज्यों की सहायता से ये संस्थाएँ बनाई गई हैं।